हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम 16 जनवरी शिफ्ट थर्ड एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एन एप्पल लैपटॉप डेप्रिशिएटेड फ्रॉम इतने से इतना इन 3 ईयर्स, फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। उसने बोला कि 3 साल पहले इतनी थी, ठीक है, 3 साल बाद कितनी होगी, 729,00। कितने साल में, 3 साल में। देखो इसका हम क्या करते हैं, इसकी रेशो निकाल लेते हैं। अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करूं, अब देखो 1331 और ये है 729। जो 1331 है वो किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, और जो 729 है वो क्यूब होता है 9 का क्यूब, ठीक है। अब देखो बात आ रही है क्यूब की, तो टाइम क्या हो जाता है, 3 ईयर्स। टाइम कितना हो जाता है अपना, 3 ईयर्स हो जाता है, ठीक है। उसने यही बोला है कि टाइम 3 साल है। उसने देखो 11 से कितना हुआ, 9 हुआ, 1 साल में, तो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, कितने पे, 11 पे गुणा 100, तो ये हो गया अपना 200/11। अगर मैं 100/11 की बात करूँ तो वो होता है 9.09, और 200/11 हो जाएगा 18.18%, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इन अ मिक्सचर ऑफ 624 लीटर जो रेशो है मिल्क और वाटर का वो है 5:3। टोटल कितना रेशो हो गया, 8:8। 8:8 बराबर दे रखा है 624 लीटर के, तो 1:1 बराबर आ जाएगा 8×7=56 और 8×2=64। 1:1 बराबर आ गया 78 लीटर के, ठीक है। उसने बोला है द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडिड, हमने सिर्फ क्या करना है, पानी ऐड करना है, और जो रेशियो हो जाएगी मिक्सचर की वो हो जाएगी 5:4। कितनी हो जाएगी, 5:4। देखो मिल्क में छेड़छाड़ नहीं की, तो मिल्क का रेशो सेम होना चाहिए। देखो इसने पहले ही सेम दे रखा है, अगर सेम नहीं होता तो हम मिल्क को सेम करते, लेकिन इसने सेम दे रखा है, तो यहाँ पे कितना रेशो ऐड हुआ है, 1:1 ऐड हुआ है 3 से 4, और 1:1 की वैल्यू कितनी है, 78 लीटर। तो उसने कहा है कि हमने कितना पानी मिलाया होगा, 78 लीटर, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ए मैन सोल्ड 2 pens at ₹12 each। किसी आदमी ने 1 pen ₹12 का बेचा, लेकिन उसने 2 pen बेचे ₹12 के, एक पे उसे 20% का लाभ हुआ और एक पे 20% की हानि हुई। देखो 20% कितना होता है अपना, 20% होता है 1/5। लाभ हुआ मतलब 5 से 6, और हानि हुई मतलब 5 से 4। भाई लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ तो 5 से 6, और हानि हुई तो 1 की हानि हुई 5 से 4। ये अपना क्या हो गया, CP, ये हो गया अपना SP। लेकिन उसने बोला है ₹12 each, मतलब SP सेम है, SP को सेम कर लेंगे, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। तो देखो 5×10, 6×12, 5×3=15 और 4×3=12, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना 25 और ये हो गया अपना 24, ठीक है। उसने बोला है ₹12 का 1 pen बेचा, तो ₹24 में कितने बेचे होंगे, 2 pen, और खरीदे कितने के थे, 2 pen, ₹25 के, तो कितने का लॉस हुआ, ₹1 का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, इसने बोला है 2 train ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो 2 train है जिनकी लेंथ सेम है, मैंने मान ली लेंथ L है, 2 train है, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड होता है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना होगा, 1 train होती तो 1 train की लेंथ लेते, 2 train है तो दोनों का डिस्टेंस ऐड हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। उसने बोला है अपोजिट डायरेक्शन में है, एक की स्पीड इतनी है दूसरे की। देखो सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड में सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड में ऐड होता है। तो कितना है, 9 और 5 = 144 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आंसर पूछा गया है मीटर में और टाइम दिया गया है सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लूं, 144 को कितने से कर देंगे, 5/18 से, और कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, 6×12, 6×3=18, ठीक है। 3 से 1 काट देते हैं, 3×4=12, 3×8=24, तो ये हो गया 48×96×5, 6×5=30, 9×5=45, 480, ठीक है। तो 2L कितना आ गया, 480, और 1 की लेंथ कितनी आ जाएगी, 480/2, तो ये होगी अपनी 240। उसने क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 240, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फाइव।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द टाइम टेकन बाय अंजलि टू फिनिश अ वर्क इज 4 टाइम्स द टाइम टेकन बाय रोन एंड 3 टाइम्स द टाइम टेकन बाय जोन। ये अंजलि, ये रोन और ये जोन, उसने क्या बोला है, बाय रोन एंड 3 टाइम्स द टाइम टेकन बाय जोन। मैंने मान लिया जोन का कितना है 4, तो इसका कितना हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 12। ये उसने क्या दे दिया, टाइम का रेशो दे दिया। इफ ऑल 3 आर वर्किंग टुगेदर इट टेक्स 4 डेज टू कंप्लीट। देखो टाइम ये है तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना होगा 12, ठीक है, 12 एकम 12, 3 चौक 12 और 4 दिए 12, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी होगी, 4 3 7 और 1 8, 4 दिन में काम करेंगे तो 8 चौक 32, टोटल काम कितना हो गया अपना 32। हमने निकालना किसका है, रोन का कितना है 4, तो 4 8 32, 8 डेज क्या आ जाएगा अपना, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट टू पेंट अ वाटर टैंक इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर की उसमें है, ठीक है, जिसकी रेडियस दे दी 7 और 4.5 उसकी कॉस्ट दे दी कि भाई इतने पैसे में करना है। देखो हमने क्या करना है, स्फीयर का तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 × 4πr², 7 × 7, ठीक है, 1 7 से 7 कैंसिल, तो अपनी वॉल्यूम कितनी आ गई, 7 × 28 × 22। अब उसने कहा है कितने रुपए में है, तो 4.5 में इसको लिख देंगे 45/10, 5 × 10, 5 × 45, 11 × 22, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 99 × 28, 9 × 8 = 72, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है ये मोहन है, ये सोहन है, इसने 3000 रुपये इन्वेस्ट करे और इसने 4000 रुपये इन्वेस्ट करे, रेशो निकाल लेते हैं 3:4। उसके बाद उसने बोला आफ्टर 6 मंथ सोहन विड्रोज, सोहन ने कितने महीने के लिए किए भाई, 6 महीने के लिए, और एट द एंड ऑफ रुपीज इतना प्रॉफिट हुआ उनको 540, तो मोहन ने किए होंगे 12 महीने के लिए, क्योंकि साल में तो 12 महीने होते हैं, इसने 6 महीने के लिए, इसने 12, 6 × 6, 6 × 12 और 2 × 4, तो अपना रेशो आया 3:2, मतलब 5:5 बराबर है 540 के, तो 1:1 बराबर हो जाएगा 108 के। हमें क्या बताना है, मोहन का कितना था 3:3, तो 108 × 3, 3 × 3 = 8, 24, 324। अगर आपसे सोहन का पूछा जाता तो आप क्या करते, 108 को 2 से गुणा कर देते, 216 हमारा सही उत्तर था, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और साइंस की जो यूनिवर्सिटी है, रेशो 7:8:9। देखो मैं इसको एक एक जीरो ऐड कर देता हूँ, 70, 80, 90 कर देता हूँ। देखो जीरो ऐड क्यों करते हैं, ताकि जो इंक्रीज होना उसको हम अच्छे से कर सकें। इसने बोला देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स बाय 20%, मतलब अगर 70 का मैं 20% निकालूंगा तो कितना होगा मेरा, 14, 70 था तो इसमें 14 इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 84। ऐसे ही 80 का 30% निकालूंगा, प्लस का 24 आएगा, 8 × 3 = 24 और 9 × 6 = 54 प्लस का 54, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल होंगी दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 14, 24 और 54। उसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द इंक्रीज्ड सीट। अब देखो ये 84 था, अब इसमें 24 ऐड करूंगा, ये 104 और इसमें आ जाएगा 144। अब इनका रेशो निकाल लो, रेशो कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 21, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 10, 2 × 4, 2 × 7, 14, 2 × 4, ठीक है, ये आ गया 21 × 42, 26 × 52 और 36 × 72, तो 21:26:36 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जीरो इसीलिए ही लगाई थी ताकि हम इसको अच्छे से इंक्रीज कर सकें, नहीं तो अगर 7 का मैं 20% निकालता तो ये क्या होता, 1.4 फिर पॉइंट में होता, इसलिए पहले ही जीरो लगा लो ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, दो ट्रेन है जो कि सेम डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, और पहली की जो स्पीड है वो है 110 km/h और जो दूसरी ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 90 km/h।
ठीक है, वो कंप्लीटली पास करती है दूसरी ट्रेन को 54 सेकंड में। इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 130 मीटर सेकंड की निकाल लिए, देखो पहली ट्रेन की लेंथ कितनी दे दी उसने 130 मीटर, दूसरी ट्रेन की मान ली मैंने लेंथ L क्योंकि हमने लेंथ निकालनी है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होती है, एक 110 है एक 90 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमने मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ठीक है। और टाइम कितना लिया 54 सेकंड, 18 + 54, 20 + 60, 6 × 5 = 300, 300 बराबर है लेंथ प्लस 130, लेंथ क्या आ जाएगी 170 मीटर, लेंथ कितनी आ गई अपनी 170 मीटर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक साइक्लिस्ट है मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे वो साइकिल चला रहा है जिसकी रेडियस है 140 मीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 280, मतलब पूरा 280 है और रेडियस है 140, वो ऐसे साइकिल चला रहा है और वो एक चक्कर कंप्लीट करता है 2 मिनट में, ठीक है। इसमें हम हमेशा क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं जो कि अपना क्या होता है 2πr, 2 × 22/7 और रेडियस कितनी है 140, तो ये आ गया 20 × 40, ठीक है, तो 22 × 40, 0 × 4 × 8, 4 × 8 880 मीटर, ठीक है। ये लेकिन वो क्या कर रहा है 2 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, हमसे क्या पूछी है एवरेज स्पीड, हमने एक की निकालनी है तो ये हो जाएगा अपना 440 मीटर पर मिनट, 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो ये अपन आंसर हो जाएगा ये। देखो जब भी ऐसा रिवोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी, इसमें ए क्या है 0.75 को लिख सकता हूँ मैं 75/100 और इसको लिख दिया 3, इसका रूट निकाल दिया। अब देखो 25 + 75 और 25 × 100, 3 और 3 का एक बार रूट बार 3 आएगा और 4 का आएगा 2, तो 3/2 क्या होता है 1.5, 1.5 क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस। देखो 10% होता है अपना 1/10, अगर प्राइस में एक कम हुआ है 10 से 9 हुआ है तो कंजप्शन क्या होता है इसका उल्टा होता है, तो ये हुआ होगा 9 से 10। और उसने कहा है इस एक की कमी से वजह, उसने कहा है पहले वो 22 किलो लाता था 250 रुपये में, ठीक है। देखो इफ अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस अनेबल्स अ पर्सन टू ऑब्टेन 22 किलो, इतने 1:22 है तो 9:1 कितनी हो जाएगी, 9 × 18 और 1 = 19, 198 × 250 रुपये, ठीक है। तो एक का कितना आएगा अपना, ये आएगा 2 × 18, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, देखो देखो 122 × 9, 9 × 18 = 19, 198 किलो लाता था 250 रुपये में, तो 1 किलो कितने में लाएगा, 1 किलो लाएगा 250/198, तो ये आएगा 1 point something, ये ऑप्शन कट गया अपना, आएगा ऑप्शन नंबर 3 1.26, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर इज इतना, वन ऑफ द नंबर इज 64, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसने बोला है एच सी एफ एंड एल सी एम, तो सभी को पता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है। दो नंबरों का जो योग है, सॉरी प्रोडक्ट है, वो क्या होता है एच सी एफ और एल सी एम के बराबर होता है। एक नंबर इसने दे दिया 64, दूसरा हमने निकालना है, और एच सी एफ एल सी एम कितना दे दिया 32 × 192, ये होता है 32 × 64, 2 × 18 और 2 × 12, तो सेकंड नंबर क्या आ गया अपना 96। उसने पूछा है डिफरेंस, तो 96 और 64 में डिफरेंस कितना होगा 32 का,
ठीक है, ये चीज याद रखना हमेशा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो 6 प्लस, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 4 12 प्लस, अब इसको सॉरी डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 माइनस 2, 6 दुनी 12 प्लस का 2 माइनस का 2, आंसर आ गया अपना 6। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द एक्सपेंसिस ऑन राइस पेट्रोल और ऑयल, वो दे दिया 8:11:6। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, जीरो लगा लेते हैं क्योंकि आगे बात किसकी गई है, इंक्रीज की, 10% इंक्रीज हुआ है। देखो 80 का 10% होता है 8 और 110 का 20%, 110 इंटू 20 बटे 100 करूंगा तो 0 से 0, 0 से 0, ये उतना 22 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। उसने क्या बोला है, द टोटल एक्सपेंसिस ऑफ द फैमिली दीज आइटम्स आर इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हुआ है, यही तो इंक्रीज हुआ है, 12 और 8 30, 30 और 10 40, 40 और 48, कितना इंक्रीज हुआ है, 48 इंक्रीज हुआ है, किस पे, इस पे, ये टोटल कितना हो गया, 8 × 14 और 110 100 × 100। ये आ गया 0 से 0, 5 × 5 = 25, 5 × 10 48 × 96 / 5, तो 5 × 5 = 45, 19.2% क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक स्कूल मैनेजर है जिसने डिसाइड किया टू बिल्ड अ न्यू स्कूल बिल्डिंग इन 40 डेज, मतलब एक स्कूल मैनेजर ने डिसाइड किया, एक बिल्डिंग बनानी है 40 दिन में। उसने क्या किया, 100 आदमियों के साथ शुरुआत करी और एंड 100 मैन आफ्टर 35 डेज, मतलब 100 आदमियों ने कोई काम करना था 40 दिन में, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 100 आदमियों ने पहले तो 35 दिन काम किया, उसके बाद क्या किया, 100 आदमी और लगा दिए, मतलब जो 200 आदमियों ने 35 दिन काम किया वो 10 आदमियों ने कितने दिन में कर देना था, ये देखो, सॉरी 100 आदमियों ने, तो 100 × 200 35 × 70, देखो इसने बोला 100 आदमियों ने 35 दिन काम किया, उसके बाद 100 आदमी और ऐड कर दिए गए, मतलब जो 200 आदमियों ने 5 दिन काम किया है, जो 200 आदमियों ने 5 दिन काम किया है उसी काम को 100 आदमी कितने दिन में कर देंगे, तो 100 × 200 और 5 × 10, मतलब 10 दिन में कर देंगे, 35 दिन 10 आदमी काम कर चुके और 10 दिन में और कर देंगे, मतलब 45 दिन में काम पूरा करेंगे, काम पूरा करना कितने था, 40 दिन में करना था, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लिए, 5 दिन, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 12,000 रुपये जो है वो कितने बन गए, 15,972 बन गए 10% की रेट से। देखो 10% होता है 1/10, तो मतलब 10 से 11, अब इसको सोल्व करके देख लो, 12 × 12 = 0, 12 से कट गया, 12 × 12 3 × 9 = 12, 12 × 36 3 × 1, तो ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, तो कितने साल लगेंगे, 3 साल, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द मार्क प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इतना है 10,550, 18% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 82/100 में बेचेगा, 1 0 से 1 0 गई, 5 × 10, 5 × 10 5 × 5, ये गया 2 × 8, 2 × 2, 1 × 1, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मार्क प्राइस है 10,000 रुपये, ठीक है, बेचा कितने में है, 8,500 में। उसने क्या किया है, ऑफर किया है 10% का डिस्काउंट। देखो इसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, ये MRP है, ये SP है, 10% डिस्काउंट होता है 1/10, मतलब 10 अगर MRP होगा तो 9 क्या होगा उसका, SP होगा, 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 5 × 10, 5 × 5, 5 × 45, 9 × 18, सॉरी 5 × 7 = 35 और 9 × 18, तो 18 से कितना हो गया, 17, 1 कम हुआ कितने पे, 18 पे गुणा 100, तो 2 × 18, 2 × 5 = 10 और 0, 50/9 होता है 5.56%, ठीक है। अब आता है आज का लास्ट क्वेश्चन,
फाइंड द या व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए कोण, कोण की वॉल्यूम बतानी है जिसकी हाइट और रेडियस दे दी। अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है 1/3 pi, 22/7, आर स्क्वेयर 14 × 14, और एच कितनी दे दी 24, तो 7 × 14, 3 × 8 = 24, तो ये आ गया 22 × 8 = 16 × 14, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा 49/28। ठीक है, अपना आज के 20 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।